गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। उसमें बच्चों हम सांस्कृतिक विकास जानेंगे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो बच्चे इतिहास के हैं उनके लिए अध्याय है। तो इस अध्याय में बच्चों हम जानेंगे सांची की झलक, उसकी पृष्ठभूमि, यज्ञ, यज्ञों की परंपरा, लौकिक सुख, महावीर का संदेश, भगवान बुद्ध, ज्ञान की खोज, उनकी शिक्षाएं, उनके अनुयायी, स्तूप, मूर्ति कला और उपासना के प्रतीक, और हिंदू धर्म का उदय और मंदिरों का विकास आदि। तो बच्चे जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते रहे हैं, तो जो प्रमुख धर्म भारत का रहा है हिंदू, उस धर्म में से अन्य धर्मों का भी उदय हुआ है, जिसमें प्रमुख जो हम चर्चा करेंगे उसमें बच्चों बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि जो जैन और बौद्ध धर्म थे उनके संस्थापक कौन थे। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी कि 1000 वर्ष का जो समय रहा है, उसमें बौद्ध एवं जैन धर्म का अत्यधिक महत्व रहा है। और विशेषता सबसे बच्चों इसकी बड़ी ये है कि दोनों ही धर्म को चलाने वाले क्षत्रिय राजकुमार थे और समाज की रूढ़िवादी संरचना से संतुष्ट नहीं थे। अर्थात हिंदू धर्म में जो अनेक बुराइयां आ गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार और प्रसार किया, जिसमें आप जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण हेतु इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का प्रयोग किया है उनमें से बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त इमारतें और अभिलेख जैसी प्रभुत्व मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी है। उस युग की बची हुई इमारतों में सांची के स्तूप हमारा एक सुरक्षित इमारत है। तो इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सांची की एक झलक। तो 19वीं सदी के यूरोप में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्व तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की आज्ञा मांगी थी। तो यहाँ पर चर्चा बच्चों मुगल काल को जोड़कर भी की गई है। 19वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार था उसको संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार से भी मांग की थी, अर्थात मुगल काल में यह मांग की थी शाहजहां बेग। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसा ही प्रयास किया। सौभाग्यवश फ्रांसीसी एवं अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी पूर्वक बनाए गए प्लास्टर जो प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह ही बनी रही। तो भोपाल के शासकों ने उसमें शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव हेतु धन का अनुदान किया। इसलिए जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों में जो हैं उनको सुल्तान जहां को समर्पित किया, क्योंकि सुल्तान जहां बेगम ने इन सांची के स्तूपों को रखरखाव के लिए धन खर्च किया था और वहां पर एक संग्रहालय भी बनवाया था तथा अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान भी दिया था। तो अतिथिशाला अर्थात जिसमें कोई भी आने वाला व्यक्ति ठहर सके उसके लिए भी उन्होंने अनुदान या पैसा दिया। वहां रहते हुए सर जॉन मार्शल ने भी अनेक पुस्तकें लिखी जिसके विभिन्न खंड के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने बच्चों अनुदान दिया था, पैसा दिया था। हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी भी
रेल या ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। तो बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, अर्थात सांची के स्तूपों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज यह जगह भारतीय सर्वेक्षण जो पुरातात्विक विभाग है वह उसकी देखरेख करता है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य रेलवे के बीना एवं भोपाल जंक्शन स्टेशनों के बीच में भिसला के समीप सांची का एक महान स्तूप एवं इसका कटघरा सुंग काल के आंध्रों के काल में चार खुदे हुए द्वार भी मिलते हैं। इन द्वारों से महान स्तूप की शोभा में चार चांद लग गए। प्राचीन भारत के प्लास्टर की कला के इतिहास में उनका स्थान अद्वितीय है। तो सांची के जो स्तूप है बच्चों, वो एक गोलार्ध में कटघरे के रूप में भारी खंभों की सादी स्थूलता की तुलना में द्वार अत्यधिक प्रभावी एवं आकर्षित लगते हैं। यदि उसकी वास्तुकला की बात करें तो उसमें बच्चों उसके जो द्वार है उस पर दो सीधे स्तंभ है और कुछ वर्ग जो भाग है उसका वर्गाकार है। खंभों के ऊपर जो है भाग पर उनके तीन समानांतर चौरस तथा चौकोर पत्थर टिके हैं, अर्थात जो उनके पत्थरों के ऊपरी भाग हैं उन पर पत्थर टिके हुए हैं। इन पत्थरों पर लहरिया के चित्र बने हैं। उन तीनों पत्थरों के बीच में दो वर्गाकार ठप्पे भी बनाए गए हैं जिनसे गुजरती हुई छोटी छोटी पंक्तियां दिखाई देती हैं। इसके अलावा द्वारों के विभिन्न अंगों की प्राय प्रत्यक्ष स्थान पर सुंदर खुदाई दिखाई देती है। उनके खंभों के मस्तकों पर खड़े हुए पशुओं को सजाया गया है। इसमें बच्चों यक्ष एक पेड़ के नीचे भव्य आकृति में खड़ा है। खंभों के नीचे ऊपर लगाने के चौरस तथा चौकोर पत्थरों के बीच स्थान पर भी परियों की तस्वीरें उकेरी गई हैं। तो ये उसकी वास्तुकला का बच्चों वर्णन किया गया है। इसके अलावा उसमें घुड़सवार, हाथी सवार, शेर एवं अन्य पशुओं की मूर्तियां भी हैं। केंद्र में सबसे ऊपर धर्म चक्र यक्षों के कलात्मक रूप में हाथियों और शेरों पर टिका है। इसके अलावा चौकोर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न कथाओं कहानियों को भी उसमें प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख चार घटनाएं हैं, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, मृत्यु से संबंधित अनेकों जाता कथाओं के चित्र भी उस पर अंकित किए गए हैं। आगे बच्चों इसी पर चर्चा करते हुए पृष्ठभूमि क्या है यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल है विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इस काल में बच्चों ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंग्त्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध तथा अनेक चिंतकों का प्रादुर्भाव या उदय हुआ है। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश भी की। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास कर रहे थे। यज्ञों का विरोध इस युग की पहचान बन गई थी। तो बच्चों इससे पूर्व जो है हिंदू धर्म के अनुसार अनेकों यज्ञ आयोजित किए जाते थे जिसमें मानव बलि, पशु बलि भी दी जाती थी। तो इस युग में आते आते अर्थात महावीर और गौतम बुद्ध के समय तक आते आते इन यज्ञों को जो है प्रतिबंधित किया जाने लगा या उन पर रोक लगाई जाने लगी या उनका विरोध किया जाने लगा। बात करेंगे यज्ञ परंपराओं की तो क्या थे पूर्व वैदिक काल में। बच्चों इंद्र, अग्नि, वरुण ये भारतीयों के प्रमुख देवता थे। विशेष रूप से वैदिक काल में
हिंदू धर्म के यज्ञों के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। तो हिंदू धर्म में बच्चों आज भी आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता है। यज्ञ विधि विधान अत्यंत जटिल हो गए, जिससे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की महत्ता बढ़ती चली गई। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी तथा अन्य आकृतियां गौण हो गई। इसके अलावा बच्चों इसमें राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। रामायण काल में भी आप देखते हैं कि राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जिस व्यक्ति जिस नगर का राजा उसको पकड़ लेता था, उसको शासक से जिसने उस घोड़े को छोड़ा है अर्थात जिसने अश्वमेध यज्ञ किया उससे युद्ध करना होता था, अन्यथा उसके अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता था। इसके अलावा अग्निष्ठ नोम 5 दिनों तक चलता था, इसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। सोम यज्ञ में भी पशुओं जो है बच्चों पुरुषों की बलि यानी कि मानव बलि दी जाती थी। राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय शासक अपने अभिषेक की समाप्ति करते थे। अश्वमेध यज्ञ में 600 पशुओं की हत्या कर दी जाती थी। तो इस प्रकार बच्चों जो यज्ञों की परंपरा थी हिंदू धर्म में, उसका विरोध बाद में आकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने किया था। नए प्रश्न उठते हैं इसमें बच्चों कि उपनिषदों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाए गए विचारधाराओं से पता लगता है कि लोगों के जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में वो लोग जानने के लिए उत्सुक थे। उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया जाता था। कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए वेदों का ज्ञान पुस्तकों की जानकारी से नहीं होती थी। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, ज्ञान, तपस्या और व्रत से ब्रह्म ईश्वर को जानने की चेष्टा करते थे और ईश्वर को जान लेते थे। अर्थात यज्ञों के द्वारा, वेदों के द्वारा, तपस्या के द्वारा ही जो है हम ईश्वर से की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वह ईश्वर कहलाता था। यज्ञों के बारे में लोग चिंतन करते थे। क्षत्रिय जो थे यज्ञों के वास्तविक महत्व को ढूंढने के लिए अधिक उत्सुक और प्रयत्नशील थे। अर्थात क्षत्रिय जो वर्ग था वो अधिक यज्ञों को अधिक महत्व देता था। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं एवं विवादों के सजीव दर्शन मिलते हैं। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूमकर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे और सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। इसके अलावा बच्चों चर्चाएं करने के लिए कूटागार शालाओं अर्थात नुकीली छत वाली झोंपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। अर्थात विद्वान लोग जहाँ पर ठहरते थे वहाँ पर सभाओं का आयोजन किया जाता था। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से संतुष्ट कर देता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उनका शिष्य बन जाता था। यदि कोई भी व्यक्ति भिक्षुक किसी शिक्षक से संतुष्ट हो जाता था तो वह उसका अनुयायी बन जाता था। अतः किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहता था। तो इससे बच्चों क्या है, कोई भी शिक्षक जिसमें महावीर एवं बुद्ध सम्मिलित हैं वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उनका यह भी मानना था कि जीवन में दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद में नितांत भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद का यह मानना था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति लिंग पर निर्धारित होता है। अर्थात ब्राह्मणों के अनुसार या ब्राह्मण वर्ग जो था वो जाति व्यवस्था को, धर्म को अधिक महत्व देता था, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा बच्चों नहीं था। तो इसमें आगे है बच्चों बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से तैयार किए जाते थे, उसको शॉर्ट में हम जानेंगे कि बुद्ध जो है चर्चा करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं पुरुषों इन प्रवचनों को सुनते थे और
बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया है, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद पश्चात उनके शिष्यों ने उनके वाणी को, उनके भाषणों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण बात करें तो यहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन बच्चों त्रिपिटक में है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, जो कहा जाता है पहले मौखिक रूप से ही तैयार किया गया था, बाद में इसको लिखा गया। विनयपिटक में संघ एवं बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का उल्लेख था। बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई एवं दर्शन से जुड़े आदिधम जो पिटक था उसमें उनको उल्लेखित किया गया है। तो तीन ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रमुख थे। इसके बाद बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे इलाकों में भी फैला। द्वीप वंश, द्वीप का इतिहास, महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास में लिखे गए अनेक रचनाएं लिखी गई हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित रचना है। तो इसके बाद बच्चों बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूर्वी एशिया, फाइयान और ह्वेनसांग जैसे तीर्थयात्री भारत में आए, उन्होंने अनेक ग्रंथों की खोज की, ये पुस्तकें उन विदेश ले गए और उसका उन्होंने उसका अनुवाद किया, और हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि महान सम्राट अशोक का नाम भी आपने सुना होगा, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका बच्चों भेजा था। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जानकारी हमने प्राप्त की। इससे आगे जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में महावीर स्वामी ने लोगों को क्या संदेश दिया। धन्यवाद।